फ्रेंड्स, एक मामला सामने आया था जो कि रिलेटेड टू फजिलका ड्रग स्मगलिंग केस था। इस मामले में सुखपाल सिंह खेरा और उनके दामाद को क्वेश्चन किया गया था एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट द्वारा। इस मामले में एजेंसी ने इन्वेस्टिगेशन की और मामला जो सामने निकल कर आया वो था ह्यूमन ट्रैफिकिंग और इंटरनेशनल ड्रग कार्टल, जिसको यूके में बैठकर किंग पिन चलाता था और पंजाब के नेताओं को इसमें इन्वॉल्व कर रखा था इस मामले में। और उसी के चलते कल एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने 3 टॉप मोस्ट फैशन डिज़ाइनर्स को समन किया है। मामला है ट्रांजैक्शन का, जो कि कैश ट्रांजैक्शन किया गया है, और उसी के चलते 3 फैशन डिज़ाइनर्स को समन किया गया। अब इस मामले में देखना होगा आने वाले दिनों में क्या कार्रवाई होगी, क्योंकि इनकम टैक्स भी इस मामले में इन्वॉल्व हो सकता है, क्योंकि ये इनकम टैक्स का करप्शन का मामला है, इनकम टैक्स की चोरी का मामला है। और उसी के चलते अब देखना होगा कि 3 फैशन डिज़ाइनर्स के साथ किस तरह की कार्रवाई होगी। हालांकि दिल्ली के हेडक्वार्टर्स में बुलाया गया है 3 को, और अब देखना होगा कि ईडी इस पर क्या कार्रवाई करेगी। तो जो भी रिपोर्ट निकल कर आएगी वो आप लोगों तक शेयर करूँगा, लेकिन क्या था पूरा मामला वो मैंने आपको समझा दिया, क्योंकि कल तक ये रिवील नहीं हुआ था कि कौन से नेता के चलते ये मामला सामने आया 3 डिज़ाइनर्स का। लेकिन अब ये नाम क्लियर हो गया है और उसी के चलते आप लोगों के सामने इस खबर को रख रहा हूँ। फिलहाल इतना ही, कुछ और खबरों के साथ जल्द जुड़ूंगा। धन्यवाद।